मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। कोतवाली अनिल को अपहरण के गश्त के दौरान मोहल्ला इंडिया थाना सिविल लाइन निवासी दो अभियुक्त अफजाल मंसूरी पुत्र रमजानी निवासी अरफान कोतवाली देवराज कस्बा खतौली अफताब उर्व गोला पुत्र अखलाक पठान निवासी इंडिया मोहल्ला थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर मादक नशीली पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियुक्त व्यक्ति को थाना इंचार्ज अनिल कॉर्पोरेट की टीम ने किया गिरफ्तार। वहीं आज कोतवाली कॉन्फ्रेंस में इस खुलासा करते हुए एसपी सिटी ओम बी सिंह सीओ सिटी हरीश बदोया ने बताया कि आरोपी एक साथ मिलकर नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। आप देख सकते हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए मुजफ्फरनगर से खास रिपोर्ट पवन अग्रवाल की। कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी जो यहाँ की आने वाली युवा पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित कर रही थी। जी, इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से इसमें चरस और इन्हें उपयोग करने के जो तंत्र होते हैं फॉइल और लाइटर वगैरह ये सभी बरामद किए गए हैं। बड़ी बरामदगी की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जो चीज़ें पकड़ी गई हैं उन्हें देख के जैसे ये अपने घर पर लोगों को इन मादक पदार्थों का सेवन भी कराते थे। जी, इसकी कीमत क्या होगी? लगभग 12 लाख कीमत है उसकी, स्मैक और चरस मिला के। और जो यहाँ तक कि उसमें, क्योंकि स्मैक जो है बड़ी कम उसमें मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे इनके पास से मिले हैं मोबाइल टाइप जिन पर रख के ये एक एक ग्राम बेचा करते थे। कुछ और लोग भी संलिप्त थे सर इसमें? अभी पुलिस द्वारा विवेचना जारी है, जहाँ से लाते थे उनके बारे में भी सूचना मिल रही है। पुलिस की एक टीम वहाँ भी गई हुई है और यहाँ इनका कोई और स्थान तो नहीं है जहाँ से वो, इस पर भी विवेचना अभी जारी है। कोई हथियार वगैरह बरामद सर? नहीं, इनसे हथियार बरामद नहीं है।